500 मारेगा तो हमारा 2500 रियल आता है, और 550 मारेगा हाँ। तो 3000 रियल देता है। तो अगर काम अच्छा हो तो फिर कितना ऑर्डर लगा लेते हो? काम अच्छा हो गया तो 27 होता है। अच्छा, ये भाई मिले हैं, ये बांग्लादेश से, आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक। आप ठीक हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र भाई। आप बांग्लादेश से है ना? हाँ, हम बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो कितने अरसे से आप ये हंगर स्टेशन में काम कर रहे हो? हम 7 महीना हो गया काम करते हैं। तो आप इसी वीजे पे बांग्लादेश से आए या इधर से ट्रांसफर लिए? हम इसी वीजा से आ रहा है बांग्लादेश से, डायरेक्ट बांग्लादेश से आ रहा है। ट्रांसफर नहीं होता, डायरेक्ट बांग्लादेश से हंगर स्टेशन का शुरीका है, और शुरीका से आता है। तो आपको कितने का वीजा मिला ये? कितना टोटल खर्चा कितना है आपका? हमारा टोटल खर्चा 4,50,000 लगता है। 4,50,000 बांग्लादेश का? हाँ, बांग्लादेश का 4,50,000 लगता है। अच्छा अच्छा, तो आपका सैलरी पैकेज क्या है यहाँ पे? हमारा सैलरी है, टारगेट है दिन में 15 टारगेट है, दिन में शुरू का 15 चाहिए, 15 मारेगा तो महीना में 450 मारेगा तो हमको सैलरी 2000 रियल देता है। 2000 रियल देता है। तो हाँ। इसमें जो रहायश और खाना पीना और बाइक का मेंटेनेंस वगैरह सब किसका है? हमारा सब कुछ कंपनी देता है, खाना हमारा है, मेंटेनेंस मोबाइल नेट पूरा कंपनी देता है, और बाद में खाना का पैसा कंपनी खाना खाएगा, और बाद में वो 300 रियल काट ले जाएगा। अच्छा, तो अगर आप टारगेट से ऊपर लगाते हो 450 से ऊपर, तो टारगेट का ऊपर ऑर्डर मारेगा तो पैसा ज्यादा आ रहा है। कितना आएगा? 500 मारेगा तो हमारा 2500 रियल आता है, और 550 मारेगा हाँ। तो 3000 रियल देता है, और 600 मारेगा तो 4000 रियल देता है। अच्छा, तो अगर आपका ऑर्डर पूरा नहीं होता तो कम आता है, तो फिर आपका कितना होगा? ऑर्डर कम आता है तो सैलरी कम देता है। कितना देता है फिर? ऑर्डर कम आता है तो एक ऑर्डर से 3 रियल करके काट लिया जाएगा कंपनी। अच्छा, ए यानी कि आपका ऑर्डर लगा है, यानी 400 ऑर्डर लगा है, तो 400 ऑर्डर जो 50 ऑर्डर है वो 3 रियाल के हिसाब से पैसे कटेगा। हाँ, ऐसे ही है, 50 ऑर्डर से 3 रियाल करके कर ले जाएगा। अच्छा, तो आपकी टाइमिंग अभी कितनी है, कितने घंटे काम करते हो आप? हमारा भाई टाइम सही से बताना यार, कितना टाइम है? टाइम हमारा ड्यूटी बहुत कर रहे हैं, अभी ऑर्डर थोड़ा कम है, अभी महीना में पहले बहुत ऑर्डर रहता है, अभी ऑर्डर बहुत कम है, अभी ड्यूटी ज्यादा कर रहे हैं, अभी 13-14-15 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना ऑर्डर लगा लेते हैं इसमें? ऑर्डर सही बताना है, कितना ऑर्डर लगाता है? ये ऑर्डर 16-17-20 हो जाता है दिन में। अच्छा, 17-20 हो जाता है। तो अगर काम अच्छा हो तो फिर कितना ऑर्डर लगा लेते हो? काम अच्छा हो गया तो 25-27 होता है। 25-27 ऑर्डर हो जाता है, हो जाता है। उसमें कितने घंटे ड्यूटी करते हो 25-27 ऑर्डर लगाने पे? 15-16 घंटा ड्यूटी करते हो आप? तो यार बहुत ड्यूटी करते हो यार, माशाल्लाह। नहीं, मैंने देखा है कि यहाँ पे बंगाली जितने भी है ना, माशाल्लाह ड्यूटी के मामले में बहुत जबरदस्त है। अभी ऑर्डर आ रहा है भाई, देखो ये भाई को अभी ऑर्डर भी आ गया। अभी देखो कोडू से एक ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, ये कोडू का एक ऑर्डर आ गया। हाँ, तो आपने ये ऑर्डर रिसीव कर लिया? हाँ, अभी ऑर्डर रिसीव करके। तो ये अभी कौन सा, कितना ऑर्डर है आपका ये? हमारा टोटल कितना ऑर्डर होता है? नहीं, हाँ अभी अभी कब स्टार्ट किया आपने ये, कितना ऑर्डर उठा रहे हो आप? 8वां ऑर्डर है ये। सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह कितने बजे निकले थे आज? सुबह हम 9 बजे आ रहे हैं। 9 बजे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि बाइक का लाइसेंस आपका बना हुआ है? बाइक का लाइसेंस हमारा कंपनी दे दिया, कंपनी बना के दे दिया। कंपनी बना के देगी? पूरा कंपनी दे दिया। अभी बन गया या अभी बनाना है आपको? कंपनी बना के देगा। नहीं, अभी आपके पास लाइसेंस है? हाँ, लाइसेंस है। अच्छा, कितना टाइम लगा था लाइसेंस बनने पे? हमारा लाइसेंस 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीना लगा था इधर जद्दा में? हाँ, जिद्दा में, इधर है सामने। हाँ, ये जो फलस्तीन पे डलना है, यहाँ पे बनवाया था ना आपने? अच्छा, उस पर जो खर्चा वगैरह सब आया वो भी कंपनी ने दिया? पूरा कंपनी देता है, हमारा आकामा मोबाइल नेट और बाइक का मेंटेनेंस पूरा खर्च कंपनी देता है। तो अच्छा, ये बताओ कि बाइक का जो पेट्रोल है वो कंपनी देता है? हाँ, ये वो कंपनी देता है। कितने पैसे देता है पेट्रोल का? पेट्रोल का पैसा नहीं है, इधर से वाईफाई देखते है ना, जितना पेट्रोल लगेगा इधर से शो करता है, वो पेट्रोल पूरा टंकी फुल करके वो कंपनी से इधर से पैसा काट लिया जाएगा। अच्छा, ये चिप लगा हुआ है आपके बाइक पे? कंपनी से चिप लगा, तो आप पेट्रोल पंप पे जाएगा वो उसको स्कैन करेगा और टंकी फुल कर देगा। फुल कर देगा, तो इसका मसला नहीं, कोई पैसे का जरूरत नहीं है कंपनी से लेने का, कुछ भी नहीं है, तो इजी, आप जाओ अपना टंकी फुल करवा लो। ये कंपनी का पैसा काट लिया, हमारा पैसा नहीं। और मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो शो वर्कशॉप पूरा कंपनी, वो वर्कशॉप कहाँ पे है कंपनी को? वहाँ पे वर्कशॉप
जो ये हमारा कंपनी के जो कैंप है ना उधर दो मेंटेनेंस वाला आदमी लेके आया पाकिस्तान से, वो पूरा मेंटेनेंस कर देता है। तकरीबन आपके शिरके में कितने लोग होंगे टोटल? अभी टोटल अभी 120-130 होता है। 120-130 सारे बांग्लादेशी या पाकिस्तान के भी हैं? सारे बांग्लादेशी। सब बांग्लादेशी हैं? सब बांग्लादेशी। पाकिस्तानी कोई भी नहीं है उसमें? पाकिस्तानी नहीं है, एक इंडियन है। अच्छा, एक इंडियन है। और सब तो रहायश आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है एक कमरे में, आप टोटल कितने लोग रहते हो? जिधर हम जहाँ पे अभी आप कंपनी ने जो रहायश दिया है एक रूम में कितने लोग हैं? हमारा एक रूम में, रूम तो थोड़ा भरा है ना, एक हाँ। रूम में 10-11 आदमी है। 10 आदमी है हाँ। एक रूम में? एक रूम में, बड़ा रूम है। रूम बड़ा रूम है? हाँ, बड़ा रूम है। तो आप खाना पकाना जो करते हो वहाँ पे अपना करते हो या बाहर से खाते हो फिर खाना? हाँ, खाना हमारा ये है कंपनी से, वो उधर एक बावर्ची ले गया, बावर्ची हाँ पकाएगा और हम खाएगा। अच्छा, बावर्ची आपने कंपनी ने बावर्ची रखा है या आपने अपना रखा हुआ है? कंपनी से रखाएगा, हम हमारा पूरा आदमी उसका महीना में ही देता है, पैसा देता है। अच्छा, आप ये बताओ कि जो भाई अभी बांग्लादेश पाकिस्तान या इंडिया से ये फूड डिलीवरी के काम में आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, कोई मसला तो नहीं है? काम ठीक है ये भाई? ये काम में आपको मसला नहीं है, सऊदी अरब में बाइक में थोड़ा रिक्स है, ये रिक्स नहीं है, हम तो पैसा के लेके आ रहा है। आप ड्यूटी ज्यादा करेगा, ऑर्डर ज्यादा आएगा तो पैसा बहुत आ रहा है, महीना में 1,20,30 से आता है बांग्लादेश का। माशाल्लाह, आप महीने का 1,20,30 कमा लेते हो बांग्लादेश का? बांग्लादेश का पहले महीने में। तो आप बांग्लादेश में रह के तो इतना नहीं कमा सकते थे? बांग्लादेश में तो भाई ऐसे पैसा नहीं आता काम के लिए। अच्छा, तो यानी कि आप यहाँ पे आ जाओ, ये काम कर लो, पैसा है इस काम में, मसला नहीं है। आप ड्यूटी ज्यादा करेगा तो पैसा ज्यादा आएगा, आप ड्यूटी कम करेगा तो पैसा कम आ रहा है। ऑर्डर ज्यादा मारेगा ज्यादा पैसा आ रहा है। नहीं, ये बंदा ना हो कि बंदा ऑनलाइन भी रहे ड्यूटी भी करे और ऑर्डर ना आए, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऑर्डर आता है। ऑर्डर आता है, ऑर्डर नहीं रुकता? नहीं। अच्छा, जो लोग डरते हैं कि यार ये ना हो कि हम आ जाएं लेकिन ऑनलाइन भी रहें काम भी करें लेकिन उसके बाद ऑर्डर ना आए तो फिर ये कंपनी के वो हमें ये ना हो पैसे सैलरी से काटे, ऐसा कोई सीन नहीं है? ऐसा कोई सीन नहीं। आपने जब आए थे तो कितने दिनों में काम सीख लिया था? हम आएगा, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बाद में अब हमारा जो पुराने आदमी है हाँ। उसके साथ 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं, बाद में हम रास्ते में हम जाएंगे। तो कितने दिन में यानी के आप काम पे, पहले दिन आपने कितने ऑर्डर लगाए थे? पहले दिन हमारा 15-16 ऑर्डर पहले दिन होता है। 15-16 ऑर्डर पहले दिन? पहले दिन होता है। माशाल्लाह, इतना ऑर्डर लगा लिया था आपने? सही, ऑर्डर ज्यादा आएगा तो ज्यादा मारेगा, ऑर्डर ज्यादा आता है तो ज्यादा होता है। तो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है? ऑर्डर कुछ ऑर्डर कैंसिल होता है, कस्टमर फोन नहीं उठाएगा, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करता है, ऐसे लिए ऑर्डर कुछ ऑर्डर कैंसिल होता है। तो उसका जो पैसा है कैंसिल का तो वो कौन पे करता है फिर? वो हैंगर से मैसेज करता है, हम हैंगर स्टेशन में, हैंगर स्टेशन में कैंसिल कर देता है, पैसा हैंगर से दे देता है, पैसा आपके जो है वो आ जाता है, हैंगर से काट लीजिए। यानी पैसा यानी डूबने का या कोई ऐसा डरने की वाली बात नहीं है, वो पैसा आपको जो है मिल जाता है? अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मालूमात दी है यार, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, वेलकम भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।